हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ बनाना चिल्ली, जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक है और बहुत ज़्यादा यमी भी है। आप देख रहे हैं इसका कलर कितना ज़्यादा अच्छा दिख रहा है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा। आप आगे देखते रहिए। मोस्टली आप देखे होंगे कि हर कोई पनीर चिल्ली बनाता है और चिकन चिल्ली बनाते हैं, बट हम आज बनाएंगे बनाना चिल्ली। तो आपको मैं बताऊंगा कैसे बनता है। 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है ये, तो आगे वीडियो देखते रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम कभी भी नया वीडियो अपलोड करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं बनाना काट चुका हूँ। कच्चा केला 300 ग्राम छोटे छोटे, और यहाँ पे देख रहे हैं आप शिमला मिर्ची में काट रखा हूँ, यहाँ पे हरा प्याज में काट रखा हूँ, और साथ में प्याज बड़े बड़े डाइस काट रखा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं जिंजर और गार्लिक छोटे छोटे बारीक काट दिया हूँ, ग्रीन चिल्ली भी छोटे छोटे बारीक काट दिया हूँ, उसके साथ सोया सॉस, चिल्ली सॉस और टमाटो सॉस। ये हमें बाद में यूज़ करना है, लेकिन अभी हमें तैयार करके रखना है। यहाँ पे जो हमने केला काट के रखे हैं, उसको हम पानी में उबालेंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए। तो मैंने पानी गर्म कर दिया। पानी उबलने के बाद सिर्फ 1 मिनट के लिए हमें इसको उबालना है, उसके बाद सुखा देना है। बनाना सूखने के बाद उसमें हम डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 चम्मच, साथ में मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, मिर्ची पाउडर डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे ग्रीन चिल्ली 1/2 चम्मच। अब डालेंगे सॉल्ट, सॉल्ट आपके हिसाब से डालना, आप कितना बनाते हैं उसके क्वांटिटी हिसाब से आप सॉल्ट डालना। उसके बाद हम डाल देंगे चिली सॉस 1 चम्मच, साथ में टमाटो सॉस 1 चम्मच, और उसके बाद हम डालेंगे अरारोट। अरारोट डाल के इसको अच्छी तरह हम मिला लेंगे, हल्का सा पानी डाल के। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह हम बनाने में अच्छी तरह मसाला लगा लिए हैं। उसके बाद हम कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। आप कढ़ाई में तेल उतना ही गरम करना जितना आपको बनाना फ्राई करना है। उसके बाद हम बनाना को एक एक करके फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा, बनाना हमको 2 बारी में फ्राई करना है। पहले आधा कच्चा निकाल देना है, उसके बाद फिर दोबारा फ्राई करना है, ताकि बनाना अंदर से कच्चा ना रह जाए। अब यहाँ पे देख रहे हैं बनाना कितनी अच्छी तरह फ्राई हो रहा है। उसके बाद अभी आप देख रहे हैं, ये मैं बनाना निकाल दिया हूँ, ये कितना अच्छी तरह पक चुका है और सारा फूला हुआ है। आपको भी ऐसे ही फ्राई करना है कि अंदर से कच्चा ना रह जाए। अभी हम इसके लिए प्याज, कैप्सिकम ये सारे टोस्ट करेंगे। 2 चम्मच मैंने तेल डाल दिया कढ़ाई में। अभी हम जो मसाला तैयार किए थे पहले से, वो डालेंगे। गार्लिक 1 चम्मच, जिंजर 1 चम्मच, इसको हल्का भून लेंगे। अभी हम मिर्ची बारीक कटी हुई डाल देंगे 1/2 चम्मच। अभी हम जो प्याज काट रखे हैं बड़ी बड़ी, तो वो डाल देंगे सारे। फ्रेंड्स, प्याज और कैप्सिकम डालने के बाद हमें इसको हल्की आंच में धीरे धीरे पकाना है, इसमें कलर ना आ जाए। इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, खाली धीरे धीरे चलाते रहना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं टमाटो सॉस, चिल्ली सॉस, सोया सॉस, विनेगर 1-1 स्पून डाल रखा हूँ, तब जाके ये कलर आया है। इसको अच्छी तरह मिला लेंगे।
अभी हम आधा चम्मच देगी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अभी हम अरारोट का घोल डाल देंगे कम से कम 1.5 चम्मच। उसके बाद इसको मिला देंगे सही से। अभी जो फ्राई किया हुआ जो कच्चा केला है वो डाल देंगे। अभी इसको सारा एक साथ मिला देंगे अच्छी तरह। अभी अच्छी तरह मिल गया है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है। अभी हम डाल देंगे हरा वाला प्याज जो बड़ी बड़ी कटी हुई थी पहले मैं आपको दिखाया था, तो अभी हम वो डाल देंगे और इसको भूनेंगे धीरे धीरे। तो आप ये अभी देख सकते हैं कितना बढ़िया तैयार हो चुका है। अभी हम एक कटोरी में इसको निकाल रहे हैं। फ्रेंड्स, आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगा। रेसिपी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में रेसिपी चेक कर सकते हैं। और आप अभी तक अगर हमारे फेसबुक पेज को विज़िट नहीं किए हैं तो फेसबुक पेज में भी विज़िट कर लीजिए। मिलते हैं और एक वीडियो के साथ। थैंक यू।